ईश्वर के नाम का जाप किया करता था। धीरे धीरे वह काफी बुजुर्ग हो चला था, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच, स्नान आदि के लिए जाना होता था, वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो नहीं भी आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, तुरंत एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा जाता है। अब यह रोज का नियम हो गया। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो बेटों को रात में कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से सब निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति ही दे दो ना। प्रभु कहते हैं कि जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती है? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा कर इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूं। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध तीन तरह के होते हैं, पहला मंद, दूसरा तीव्र प्रारब्ध तथा तीसरा तीव्रतम मंद। प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत का संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने पर कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध में स्वयं साथ रहकर कटवाता हूं और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूं। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। डेस्टिनी वॉज क्रिएटेड फर्स्ट एंड द बॉडी वॉज क्रिएटेड बिहाइंड। तुलसीदास जी की इस पंक्ति में विज्ञान का बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। ये बताता है कि पहले भाग्य का निर्माण होता है, उसके बाद शरीर बनता है। विज्ञान के इस गहरे रहस्य की खोज आर्षियों ने हजारों साल पहले कर ली थी। आज तथाकथित प्रगतिशील लोग न्यूटन को कार्यकारिणी नियम का जनक मानते हो। आप विचार करें तो पाएंगे कि हिंदू हजारों साल से इस सिद्धांत को जानते और मानते रहे हैं। न्यूटन का सिद्धांत है कि हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। हमारा अध्यात्म कहता है कि जो बोओगे उसे काटना ही पड़ेगा। मनुष्य लाख जतन कर ले, कर्मों के फल से बच नहीं सकता है।